हेलो एवरीवन, डीआईर क्लास नंबर 1 बिगिन करिया। आज हम डिस्कस करबा इन डिटेल वेन डायग्राम्स, तार कंप्लीट कांसेप्ट, कांसेप्ट ऑफ टू सेट वेन डायग्राम, थ्री सेट वेन डायग्राम, कांसेप्ट ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिस्कस करबा, ऑल द कांसेप्ट्स, ऑल द शॉर्टकट्स। ठीक अछि, या बियॉन्ड आउ किछि नै बुझले आपण। सेटा फर्स्ट कंप्लीट थ्योरी म आपण कहिबी, तापरे मु पांचटा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नेबी। आपण लेखा हे जेडी 5 सेट्स ऑन वेन डायग्राम्स, पांचटा सेट आपण को मु करैबी आज क्लास रे। ब्रेकअप कौन रही है, तीनटा सेट मुझे नेबी, जोटा ओ डबल एससी एग्जाम से ऑलरेडी अपीयर करी, जोटा ओ डबल एससी एग्जाम से ऑलरेडी अपीयर करी, तीनटा सेट ता भीतर नेबी वेन डायग्राम्स उपरे, आउ दुईटा वेन डायग्राम सेट मो साइड आपको करी। ओके, फर्स्ट आम चेक करदे ये दुटा, यही जो पार्ट चेक करदे, तीनटा सेट्स मुझे फास्ट देखेदेवी जोटा ओ डबल एससी एग्जाम से अपीयर कर, चेक कर दिंतु। फास्ट देखु पिले, एटा होची आपणकर ओ डबल एससी अकाउंटेंट पेपर, दिस इज द पेपर ऑफ ओ डबल एससी अकाउंटेंट प्रिलिम्स, ओ डबल एससी अकाउंटेंट प्रिलिम्स जो 2023 रे परीक्षा होता, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। ठीक अच्छे, देखो पेपर आपको आम टेलीग्राम चैनल रे मिल जाव, और आप ओ डबल एससी वेबसाइट रू भी डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट देखो वेन डायग्रामा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आपंकर डाटा इंटरप्रिटेशन रे, जोटर क्वेश्चन अपीयर करे ही करे। चेक कर दिंतु ओ डबल एससी अकाउंटेंट रे आसला केमती क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड, जोटा आम आज ही करा डिस्कस, थ्योरी डिस्कशन थ्योरी सरला। देखो आप देखे दूचे, यहीटा गोटे सेट आसला, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ओ डबल एससी रहा, गोटे क्वेश्चन आसला वेन डायग्राम पर है, आउ गोटे आसला मैंने दुईटा सेट आसला, मैंने गोटे एग्जाम दुईटा सेट पड़े आस, भावंतु मैंने केते इंपोर्टेंट। यहाँ गोटे केसलेट आसला है, यहाँ गोटे केसलेट, आउ यहाँ गोटे डीआई, दुटा सेट आसा कंप्लीट आम डिस्कस कराया। फर्स्ट आईटा यहाँ हूँ पीले ओ डबल एससी स्टेनोग्राफर, ओ डबल एससी स्टेनोग्राफर एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ऑफ ओ डबल एससी, या भितर भी वेन डायग्राम सेट अपीयर करता प्रिलिम्स पेपर, यहाँ 2023 से परीक्षा होता। चेक कर दूसरी आपको देखते पीले वेन डायग्राम सेटा आपको चेक कर दूसरी, जोटा आम कर डिस्कस थ्योरी सरला देखे दूसरी। डीआई सेक्शन रे अच्छे, हमें हाँ डीआई अच्छे, गोटे सेकेंड सेटा कड़े गला, क्वेश्चन नंबर 54 रू 58, दिस केसलेट इज बिल्ट ऑन वेन डायग्राम 54 रू 58 करिया। हमें डिटेल डिस्कस अटेम्प्ट नवा दरकार नहीं, किसी मुझे डिटेल आपको डिस्कस करी, भितर अकाउंटेंट पेपर दुटा सेट एवं गोटे सेट, ए तीनटा सेट आम फर्स्ट करिया डिस्कस थ्योरी सरला। मो साइड रू आपको, मो साइड रू आपको दुटा सेट करी, ठीक अच्छे, यहाँ आज क्लास कराव। ठीक अच्छे, ये गला अबिका टी चेक करदे बोले पेपर आप डाउनलोड करेंगे अकाउंटेंट आउ स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पेपर देखिले, आप क्वेश्चन पेपर पिला जान नथिबे, आपण टेलीग्राम रू डाउनलोड करेंगे मो टेलीग्राम रू, और जदि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन ना है, लेट्स से आप टेलीग्राम में ना तो कौन करेंगे, आप सिंपल गूगल सर्च रे पिले टाइप करेंगे ओ डबल एससी, गूगल सर्च रे ओ डबल एससी टाइप करेंगे, आसिले आपण तापर एठी कैंडिडेट्स कर्नर को आसिबे, कैंडिडेट्स कर्नर को आसिबे, एठी आपण को पिले दिसि जीवो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ओ डबल एससी एक्चुअल वेबसाइट रे कैंडिडेट्स कर्नर को आसिबे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्लिक करेंगे है, आसला परे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप क्लिक करेंगे, देखो आसला एटी अबिका, एटी आप सिलेक्ट पोस्ट चेक करेंगे, आम डिस्कस कर अकाउंटेंट पेपर, अकाउंटेंट पेपर आप ये करेंगे 2023 प्रिलिम एग्जाम, ये क्लिक कले प्रिलिमिनरी आउ इंग्लिश पेपर, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज रे क्वेश्चंस लिखा है और ओडिया लैंग्वेज में डाउनलोड करेंगे, एवं आप सिंपल डाउनलोड करेंगे। अकाउंटेंट पेपर रे दुटा सेट आसला वेन डायग्राम पर, आउ गोटे आम डिस्कस करते स्टेनोग्राफर, देखो ये कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर क्लिक करेंगे, 23 परीक्षा है, प्रिलिम सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, सिंपल ये डाउनलोड मारे, आप समस्ते गूगल रू डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट आसना ये आपको शिखे दिया है। ओके, ये सब जिन कहु किसी बिगिनर पिला जो थे जो प्रथम थर एग्जाम अपीयर करेंगे से आईडिया पात, बाकी अलग पिला तो जानते। ओके, ये गला
तापर डिस्कशन आम बिगिन करिया तागुर खाली गोटे जिनस मुझे क्लीयर करदेवि क्लारीफाए करदेवि जदि किसी पिला पचारे कि सर ओ डबल सी पेपर कहीं आप सल्व कर प्रिवियस इयर सेम क्वेश्चन आस परीक्षा यहीपाई कहूँ बाबा देख यो आम तीन टा क्वेश्चन डिस्कस करवा तीन टा ओ डबल एस एक्चुअल सेट्स यहीपाई कराऊँगी ताकि आप जानतु ओ डबल एस सी एक्जामस वेन डायग्राम क्वेश्चनस लेवल कौन रोज से सेट से कराऊँच से एक्जाक्ट सेट परीक्षा आसो आसो कहीं नेक्स्ट टाइम अपीयर करेंगे कि नाई ना आम यहीपाई करूँ ताकि प्रिवियस इयर पेपरटा आप देखीदे आप जानते कि यही डिफिकल्टी लेवल्र सेट आसूरी परीक्षा आमको से ही लेवल प्रिपेयर होगा पड़ो दैट इज दि सोल पर्पज अफ सल्विंग आक्चुआल पेपर अफ ओ डबल एस सी क्लीयर होने कराऊँच दुटा सेट मुझ मो सैड टू करी क्लीयर तापर थर्ड जिनस जो आज क्लास कराव होटा ए पांचटा सेट कर गोटे सेट कर पाइचार्ट गोटे टेबुल्स आ गए बारग्राफ उपर ठीक लंबा क्लास हम आराम से देखूँ क्लास को बारंबार बारंबार रिवाइज करेंगे है आपंकर ईच एंड एव्री कनसेप्ट क्लीयर रहा लेट्स बिगिन है बिगिन कर स्टूडेंट्स पहले भेन डायग्राम गोटे जिनस मार्क करेंगे वेन डायग्राम पे एमती गोटे सेट मु स्टेनोग्राफर ओपन कली स्टार्ट आम करना अभी थ्योरी खाली आप दुटा दिटा जिस देखे दूचे देखते बिल्कुल सेटा मार्क कर पढ़ू टे किटा की वार्डस मार्क करूँ ओनली है क्वेश्चन गुट लक्ष्य करूँ है ओनली लिखाही तापर नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग गैस और ऑयल ये जो और वार्ड लिखा है और यार गोटे बहुत इम्पोर्टेंस अच्छी वेन डायग्राम सॉल्विंग रे और आउ एंड टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन्स टर्मिनोलॉजी कौन रहे सेटा हमें देखुचंत हमें तो क्लास स्टार्ट करिया फर्स्ट ये बेसिक देख दियंत और माने कौन और माने होची यूनियन अभी कहीं पढ़िया एंड माने कौन इंटरसेक्शन कौन डिटेल बुझे आम नंबर ऑफ हाउस गैस और ऑयल है बुझे आप सो ये बेसिक ओनली हो गला और हो गला एंड हो गला सब टर्मिनोलॉजी आपन को क्लियर होवा दरकार है सो स्टार्ट करिया पहले फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करिबा तापर सब सेट्स हमें सॉल्व करिया आपन को कंप्लीट क्लैरिटी मिलिबो बिगिन करिया क्लास आपन विथ कंप्लीट अटेंशन देखिबे ताकि ईच एंड एवरी आस्पेक्ट आपन को क्लियर हो जिवो फर्स्ट हमें डिस्कस करिबा पहले टू सेट वेन डायग्राम तापर थ्री सेट वेन डायग्राम फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग टू सेट वेन डायग्राम देखो बस ओके स्टार्ट करिए देखो टू सेट वेन डायग्राम दिस इज अ टू सेट वेन डायग्राम दिस इज अ टू सेट वेन डायग्राम पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बुझे पहले लेट से प्रथम सर्कलटा को ना दूची ए फर्स्ट सर्कलटा को ना दूची ए सेकेंड सर्कलटा को पे ना दूची बी बी ठीक अच्छे एरिया गुड़ाक ये तीन टा एरिया दिस इज वन एरिया दिस इज सेकेंड एरिया दिस इज थर्ड एरिया तीन टा एरिया अच्छी नहीं तीन टा एरिया अच्छी तीन टा एरिया को ना दे दूची दिस इज फर्स्ट एरिया दिस इज सेकेंड एरिया दिस इज थर्ड एरिया ठीक अच्छे अभी किसी टर्मिनोलोजी आम बुझा फर्स्ट टर्मिनोलोजी आम बुझा कौन देखो मुझे आपको कह इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी सिंपली मीन्स ए एंड बी कौन कहली ए एंड बी ताने दिस रिप्रेजेंट्स एरिया टू व्हिच इज द कॉमन रीजन यहाँ कहते इंटरसेक्शन बुझे ए इंटरसेक्शन बी मैं ओनली दिस पार्ट आपन को कहबी ए यूनियन बी माने कौन माने दिस सिंपली मीन्स ए और बी ता माने कौन एरिया वन प्लस एरिया टू प्लस एरिया थ्री दिस प्लस दिस प्लस दिस ईच एरिया इज टेकन वन्स सब एरिया को आम थे थे नौ चले क्लीयर होगा अबिका मत आप गोटे जिनस कहे लेट से मुझे पचारि कंप्लीट अटेंशन रे पहले क्लास देखिए सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो कह ए प्लस बी सिंपल दुटा सेट को ऐड कर करदेवि या सर्कल आई सर्कल को ऐड कर करदे सिंपल ऐड कर करदे पे माने कौन तार सिग्निफिकेंस कौन चेक करूँ आप चिंता करूँ निजे जदि मुझ ऐड करदे आपन को क्लीयर हो कौन हम वन प्लस
2 1 plus 3 jaddi mu simply add kali bile 1 plus 3 ta asibo but 2 part ta kon hijibo 2 part ta di thara add hijibo clear hochi apanku clear hochi apanku 2 part ta di thara add hijibo ei part ta apanku clear hochi अरे ए जो जदि मु ऐड कर दउ छी बले कोन हे जीवो देखों माने मु ए आपन कहि आउ चाहू छी देखों मार्क करों तो एटा गुटे पूरा कंप्लीट सर्कल हला गुटे सर्कल अछि ता ऊपर एटा आ गुटे सर्कल अबिका देखों तो गुटे सर्कल ऊपर आ गुटे सर्कल ठीक अछि आपन ऑब्जर्व कर छन ए जो 2 पार्ट ता नै 2 पार्ट ता एटा कोन रिपीट हे आउ छै नै दिथर एई पार्ट ता थोर थोर रहइबो बट दिस पार्ट इज रिपीटिंग ट्वाइस That is what I am saying. Ki two part ta di thara jibo. Overlap hai jibo. Simply means. Hala? Okay. Jadi apnu clear ho chita hale. Bhal katha. No hele bhi. Aau tikke sama class e rohantu. Apnu sau bujh paribe. Okay. Ye clear hala bile. Tikke na goda change kar dwa khali. Eta 1, 2, 3 na dhe gina. Ame dhe dwa. A, B, C. Dakki aau tikke clarity as jibo. A, B, C. Thik ach? ताहले ए इंटरसेक्शन बी मींस आउथर आपन को रिवीजन बी हिजो या माने कोन दिस मींस एरिया बी ए यूनियन बी माने कोन ए प्लस बी प्लस सी ए तीनटा एरिया आ ए प्लस बी माने कोन या प्लस टा माने कोन समेशन माने समेशन रो माने होची दिस मींस ए प्लस सी प्लस 2b क्लियर पले एथर त एब्सोल्युटली क्लियर होतबो ठीक ओके अभी का मते उठ जिंसा कहिबे मु जदी आपन कहू छी खाली ए ओनली ए पार्ट कहू छी ए माने कोन आपन जदी ए मु कहू छी ए रीजन ता आपन कोन कहिबे ए रीजन ता आपन स्मॉल ए खाली कहिबे ना ए प्लस बी कहिबे जदी खाली आपन को ए रीजन पचारा हो छी आपन कहिबे दिस इज स्मॉल ए प्लस बी स्मॉल ए प्लस बी जदी आपन को हाबो ओनली ए ओनली ए ओनली कैपिटल ए ताहाले आपन कहिबे दिस इज स्मॉल ए ए टर्मिनोलॉजी गुडा बहुत इंपोर्टेंट बिले वेन डायग्राम रे ओनली जदी आपन कोहा होची ओनली कैपिटल ए ताहाले आपन ए पार्ट खाली कहिबे अदि खाली ए आपन कोहा हला ताहाले ए प्लस बी क्लियर होची लाइकवाइज जदी आपन को बी कोहा हला बी आपन को कहिबे दिस इज बी प्लस सी जदी ओनली बी कोहा हबो ताहाले आपन ए स्मॉल सी रीजन लेबे क्लियर क्लियर होची बिले ओके जदी एतिक एस्पेक्ट क्लियर हला ताहाले हमें टिके आकु मूव करिया इत्ते थरो जिंसोडा रिपीट हबो जे आपनकर माइंड सब जिंसो इम्प्रिंट हे जियो तले आपनको आ किछि असुविधा आवर नै देखन त पिले मु आपनको कहली ए प्लस बी ए प्लस माने सिंपल ऐड करचंत यूनियन इंटरसेक्शन कथा किछि नै खाली ऐड कर दोचि मु ऐड करले कोन हे जियो आपन कहिबे ए प्लस सी प्लस 2b एई रीजनटा ओवरलैप हे जियो सिंपल ऐड कर देले गोटे सर्कल उपर आउट सर्कल ओवरलैप हे गला ठीक अछि एई रीजनटा ओवरलैप हे जियो 2b लेखली मु ठीक अछि अबिका एई एक्सप्रेशन टाकु मु यूनियन आ इंटरसेक्शन टर्म रे लेखिबी एई एक्सप्रेशन टाकु मु यूनियन आ इंटरसेक्शन टर्म रे लेखिबी देखन त एका मार्क करब मु आपन कहि पिले ए यूनियन बी या माने कोन या सिग्निफिकेंस होची ए और बी ता रिप्रेजेंटेशन कोन हो दिस मींस ऑल द एरियाज टेकन वंस ए प्लस बी प्लस सी सब एरिया को हमें थरे थरे नवा एडिशन डिफरेंस आप मार्क कर तो या भीतर डिफरेंस कौन बिले या माने होची सिंपल ए प्लस बी प्लस सी बट ऐड कर देला माने दिस इज ए प्लस सी अभी बाटा दिस आड़ेला बुझन सिंपल हमें ऐड करना थी यूनियन केस से हमें सब एरिया को थरे थरे नौ ऐड करना थी क्लियर होची ओके अभी का ये जो यूनियन टा को मु इंटरसेक्शन टर्म में लिखिबी पूरा अटेंशन दे पिले क्लास रे इंटरसेक्शन टर्म में लिखिबी तारे कौन हबो दिस इज ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस दिस पार्ट इज बी पार्ट टा को कौन लिख परी बिले दिस इज ए इंटरसेक्शन बी क्लियर होची बिले ए एस्पेक्ट आपन क्लियर हला ए प्लस सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी क्लियर अभी का मु ताको आउट के एक्सपैंड करी ए जिंस टा को मु एमिति लिख परबी कि नहीं मते जिंस कहो तो ए जिंस टा को मु एमिति लिख परबी नहीं ए प्लस बी कली माने ए जो ए प्लस बी लिखली माने ए रीजन टा ओवरलैप हे गला बी पार्ट टा
ताकु केमती सब्ट्रैक्ट करबी माइनस लेखिबी माइनस ए क्लियर होची पिले सो दिस एई पार्ट ता होची कहार फार्मूला दिस दी फार्मूला ऑफ ए यूनियन बी क्लियर होतु पिले कोन हला जति मु ए आ बी को ऐड कर देली बी रीजन टा ओवरलैप हे गला बट यूनियन माने मते सब रीजन थरे थरे दरकार सेत पई थरे इंटरसेक्शन माइनस कर देली क्लियर होची थरे माइनस करले कोन बची जइबो कोन एडी एटी बची जाउची ए प्लस बी प्लस सी जहाँ हमको दरकार थिला माइनस काहीकि कली कहीं ए रीजन टा दी थर आसला हमको थरे माइनस कर देले थरे बची गला क्लियर होची बिले एब्सोल्युटली क्लियर होतबो टू सेट वेन डायग्राम होची वेन डायग्राम सब कांसेप्ट हमें कले डिस्कस टू सेट वेन डायग्राम सब कांसेप्ट हमें कले डिस्कस आपन क्लियर होची हां ओके अबिका मते थ्री सेट ऊपर कथा कहंतु थ्री सेट वेन डायग्राम को मुक करिबिले थ्री सेट वेन डायग्राम को हमें करिया मूव एटा दरकार पड़ो ओके फर्स्ट ये करद यार करद डायरेक्ट क्लास पूरा अटेंशन सहित देखिए बिले थर थर कर देखिए प्रॉपर्ली देखिए सो दैट सब आस्पेक्ट आपको हम क्लियर ओके देखो ये सब एरिया को मार्क कर दूची दिस इज लेट्स से दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिस इज डी ई एफ आ ए पार्ट हूँ जी ए पार्ट हूँ जी स्लाइड होनी नहीं हाँ ठीक अच्छे किसी कथा नहीं क्लियर हो बोले अभी क्या देखो ये आम थ्री सेट पर डिस्कशन करिया बहुत अटेंशन सहित आप क्लास देखिए सो दैट किसी पॉइंट आप मिस न हो जहाँ जहाँ डिस्कस करते टू सेट रे से सब जिनस को मुझे डिस्कस करी अबिका पहले मार्क करूँ ये जो ऊपर सर्कलटा येलो सर्कलटा कम्प्लीट ताक मुझे पूरा सर्कलटा को ना दौर ए पूरा सर्कलटा को ना दौर ए कैपिटल ए यही सर्कलटा को पूरा ना दौर बी आई सर्कलटा को ना दौर सी कैपिटल सी ठीक अच्छे ए रिप्रेजेंट कौन करुच्छे ए रिप्रेजेंट कौन करुच्छे खाली स्मॉल ए ना जदि ओनली कैपिटल ए आपको कह ओनली ए ताल आप खाली ए रिजन कहे आप खाली ए पचार है आप लिखे ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई ए र माने होची ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई ओनली ए माने होची स्मॉल ए पार्टा क्लियर होची ए एस्पेक्ट आप क्लियर ए आउ ओनली ए भितर डिफरेंस एक्जाक्टली सेम जिनस होची या सहित बी कहला माने आप कहे बी प्लस जी प्लस जी बी प्लस एफ प्लस जी प्लस डी आउ ओनली बी माने आप कहे स्मॉल बी क्लियर लाइकवाइज फॉर सी अबिका मु यूनियन इंटरसेक्शन उपरको आसीबी पिले जदि मु आपन कहि बी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन रो माने आपन कोन बुझैतली ईच रीजन टेकन वन्स सब रीजन को थरे थरे नबाटा होची यूनियन ठीक अछि अबिका या माने कोन या माने होची सिंपली स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सब रीजन को हमें थरे थरे नेले दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन जो आपको ऑलरेडी पढ़े थी दिस ऑल्सो मीन्स ए और बी और सी एटा एटा होची सी पिले ए और बी और सी ठीक अच्छे अबिका या सहित मत कहतु यार डिफरेंस कौन जदि मु कह ए प्लस बी प्लस सी सिंपल एडिशन कर देबी दिस प्लस दी जब ऐड कर देली पिले ऐड कर देले कौन डिफरेंस हो जीवो यदि मु ऐड कर दोची ताहले आपण बुझी पारथुबे डिफरेंस ए हबो कि ए रीजन ए बी सी त थर थर आसीबो ठीक इमेजिन करंतु गोटे सर्कल ऊपर आउ गोटे सर्कल आउट सर्कल रखले कौन हबो ठीक चिंता करंतु ए प्लस बी प्लस सी त आसीबो बट ए रीजन डी ई आउ एफ दी थर आसीबो हला माने हबो प्लस 2 डी प्लस ई प्लस एफ दी थर आसीबो ए मझे रीजन टा तीन थर पळे आसीबो प्लस 3g हम कि नहीं पिले हम कि नहीं आप देखे दौर टे देख मार्क करूँ ये जब बुझीपारे अबिका मुझे बुझीपरि ठीक देख आपण को विथ फिगर देखा
मु कोन कहली तीनटा में ऐड कर दो पिले सिंपल आम कौन कर एडिशन कर दो एटा होची गोटे सर्कल ता उपरे मु आ गोटे सर्कल रखली पिले मार्क करंतु प्रॉपर्ली मार्क करंतु ता उपरे मु आ गोटे सर्कल को रखली पिले हला ये रहला ता उपरे मु आ गोटे सर्कल को रखली ठीक अछि अबिका आपन को डिफरेंस जणा पडतु जितले मु ऐड कर दउची माने या उपरे तीनटा सर्कल हला यदि मु ऐड करली माने कोन होउची दिस इज रीजन ए दिस इज बी दिस इज सी एडिशन जितले मु कर दउची पिले ए प्लस बी प्लस सी जितने मुझे करदे कौन हो जाए प्लस कला मैंने जो रिजन गुरा थे आसा आपको विजिबल हो मैंने रिजन यहाँ थे आस विजिबल होटा दिस इज स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी जहाँ मुझे आपको ये कही ए प्लस बी प्लस सी ए रिजन गुरा थे आसवे यही रिजन गुरा दीदी थर आसवे मार्क करते ये रिजन गुरा दीदी थर आसवे आ मझी रिजन टा तीन थर पलैस माने दिस इज प्लस करिवे टू डी प्लस इ प्लस एफ तापर मझी रिजन टा तीन थर पलैस सो दिस इज थ्री जी क्लीयर हो पिले टी इमेजिन करूँ आपन को पिक्चर देखेदेली मुना सो ये आप क्लीयर हवा दरकार आदि आम कह यूनियन यूनियन मैंने सब रिजन को आम थे ना यूनियन मैंने सब रिजन को थे थे निब आडिशन मैंने ओवरलैपिंग पार्ट भी इनक्लूड कराइगला क्लीयर होके अबिका जदि आप क्लीयर है मु यार यूनियन रु इंटरसेक्शन उपरको जी इंटरसेक्शन आपको फर्मुला कह ठीक अच्छे फर्मुला नहीं तर डेरिवेशन भी साथ बाय साथ कह ठीक अच्छे आईटा आप सब इम्पोर्टेंट आज क्लास रे आउथ लिख दूसरी क्लास भिडियोटा को भी जब बुझा पड़ू तो लाइक करदे है ये डिटेल सब जिन कनसेप्ट क्लीयर करा ठीक लगे लाइक फैक्ट करदे देख दिस इज स्मॉल ए ए रिजन टा होची स्मॉल ए दिस इज स्मॉल बी दिस इज स्मॉल सी दिस इज डी दिस इज ई दिस इज एफ आ रिजन टा होची जी ठीक अच्छे अबिका यूनियन इंटरसेक्शन टर्म रे डिटेल जिन लिखिया है आडिशन हिसाब से लिखियानी यूनियन इंटरसेक्शन टर्म रे ता भितर मत खाली कह दियंतु आपण दिस कैपिटल ए दिस इज कैपिटल बी दिस इज कैपिटल सी मत खाली गोटे जिन खाली एति कह दियंतु ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माने कौन ए एंड बी एंड सी इंटरसेक्शन माने कौन कॉमन रीजन इंटरसेक्शन माने होची कॉमन रीजन ए एंड बी एंड सी माने दिस सिंपली मीन्स ए रीजन टा होची जी क्लीयर होची पिले क्लीयर होची जदि मु कहिबी ए यूनियन बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी कहिले आपण कोन कहिबे खाली डी ना डी एंड जी कॉमन रीजन ए आउ बी को देखिना सी को भूली जांतु सी को भूली जांतु दिस मीन्स डी प्लस जी हला बुझले इंटरसेक्शन माने आपण जदि कुहा हबो ओनली ए एंड बी कहले आपण डी कहबे जदि आपण कुहा हबो ए एंड बी पिले सब वर्ड को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करंतु जदि आपण कुहा हबो ओनली ए एंड बी जदि स्टेटमेंट ए आसला क्वेश्चन रे दैट मीन्स डी दिस मीन्स एटा मीन्स डी बट जदि आपण को ए जिनस ओनली वर्ड हटे देला ताहले ए एंड बी मीन्स डी प्लस जी सेम गोज फॉर ए एंड सी जदि आपण को ए एंड सी कहला आपण कहिबे ई प्लस जी जदि ओनली ए एंड सी कहला ताले आपण कहिबे सी माने ई ओनली ए एंड सी कहले आपण कहिबे ई जदि ए एंड सी कहला आपण जी प्लस ई कहिबे क्लियर होची बिले हां आपण को आस्पेक्ट क्लियर होतो जदि एति जिनस क्लियर हो जाउची ताहले मते आपण अबिका फार्मूला को मूव कर जिए देखो तो पिले ए यूनियन बी यूनियन सी यार फर्मूला कौन हम यूनियन माने होची इच रीजन टेकन वन्स इच रीजन टेकन वन्स अबिका मु कौन लिखिबी ए प्लस बी प्लस सी एटा लिखिली मु फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी लिखिले आपण बुझी पारुछंती डी ई आउ एफ दीदी थर आड़ हेतिबे दीदी थर आमको थरे थरे दरकार बुझंती आज आपण आउ टिके आउ कहिले ना ए प्लस बी प्लस सी रा फार्मूला आपण कहली ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू डी प्लस ई प्लस एफ प्लस थ्री जी एटा आपण कहली सिंपल मु ऐड कर देली अबिका मु एडिशन लिखली एटी
बट यूनियन माने हो सब रिजन थरे थरे दरकार मु कौन माइनस करी पिले मते कहम चिंता करना कौन माइनस करी थरे ए इंटरसेक्शन बी थरे एटा माइनस करी थरे एटा माइनस करी तापर माइनस करी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए एतिक रिजन माइनस करी है ताकि ये जिनस गुड़ा थरे थरे आस दु थर आगे आसला थर थर आसला बट इतनी लिखला परे ये जो जी पार्टा पूरा गायब हो गला ये जो स्मॉल जी जोड़ा कॉमन रीजन गायब हो गला तापर मते ऐड करिया पड़ो प्लस करी जगह नहीं पटे प्लस करी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एटा मते ऐड करिया पड़ो सबट्रैक्ट नुह एटा ऐड करिया पड़ो इतले आपन माइनस करले ए रीजन टा पूरा गायब हो गला बुझले सेइत पई एटा थरे ऐड करिया पड़ला दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपण को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो एडिशन माने हो पिले ए रीजन गुड़ा डीई आउ एफ डी थर अपेयर कर जहाँ मुझे लिखिली ए रीजन तीन थर आसो यूनियन माने हो सब रीजन थर थर आसवे दिस सिंपली मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी एटा केमी आसव आड कले इंटरसेक्शन थर थर माइनस करेंगे प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्लीयर हो कन्सेप्ट आपको आब्सोल्युटली क्लीयर होती ये क्लीयर है ताहले आमे सबू कनसेप्ट बेन डायग्राम शिखीगले जदि आपण एतिकी पॉइंट जाय बुझीगले सबू कनसेप्ट आपण क्लियर होगला अबिका आमे क्वेश्चन्स को मूव करिया हला सेट फर्स्ट स्टार्ट करिबा ओ डबल एस रो सेट्स रु तापर किछि सेट्स मु मो साइड रु आपण करैबी ठीक अछि सबू जिंस आपण नोट करथिबो ऑलरेडी ठीक अछि बिरे ठीक स्टार्ट करिया टिके मु पानी पी दिए तापर बिगिन करिया फर्स्ट टाइम बिगिन करिया आपन सब पेपर क्वेश्चंस बिगिन करिया हला फर्स्ट अकाउंटेंट पेपर टा बिगिन करिया तापर स्टेनो टा करिया क्वेश्चन स्टार्ट करिया पहले एडा होचा एक्चुअल पेपर ओडा वाले सिरो क्वेश्चन 95 रु 97 एटा पिले ओ डबल एस एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है 95 रु 97 मु जूम करना आपन देखेबी आपन को सब जिनस क्रिस्टल क्लियर हो दिस इज द सेट एटा होची आपन को सेट सेट आपन सॉल्व कर देले क्वेश्चन गुडा बहुत आराम से हो जइबो हैना सेट टा फर्स्ट सॉल्व करिया इंपोर्टेंट सेट टा सॉल्व हे गेला परे वेन डायग्राम टा आप फॉर्म करदे क्वेश्चन बहुत आराम से हो तो फर्स्ट तो आप यार वेन डायग्राम टा फॉर्म करेंगे ठीक अच्छे फर्स्ट फॉर्म दी वेन डायग्राम बस है तो अटेम्प्ट मुझे पा पी दिए भितर आपण नेले बिले अटेम्प्ट वेन डायग्राम हेला आपण बहुत कम जन क्वेश्चन से इजी नुह है बट जो फॉर्मूला आपण कहरी यदि से फॉर्मूला आपण ठीक से जो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला फॉर्मूला आपण कहरी यदि आपण ध्यान दिया पढ़िले एटा तो ये सब क्वेश्चन मुहे मुहे हो मैंने मुहे तो हेनी बहुत क्विक आप करदे जो अलग पे वेन डायग्राम बनकर बहुत टाइम लगे क्वेश्चन सॉल्व करिया देखो आम यूनियन फॉर्मूला करिया के जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो फॉर्मूला जहाँ जहाँ पढ़ा हो क्लास रे सब जिनस बहुत माइन्यूटली करेंगे ऑब्जर्व देखो पीले छोट वेन डायग्राम टे करिया बस क्लियर हो पे जगह नहीं अभी बस इतनी था जी दैट्स इट अच्छा देखो तो पहले
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକିରେ ହିଁ କରିଦେବା। ଏହାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବାହାରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍। ବୁଝିବେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜିଂ ଦି ଡାଟା, ୟୁଜ୍ ଦ ଡାଟା ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ପୁରା ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ବିଲେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା କରାହେଉଛି ହେଲା, ବୁଝିବେ ପ୍ରପର୍ଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, 280 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପିୟର୍ଡ଼। ହେଲା, 280 ପିଲା ଆପିୟର୍ କଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଫେଲ୍ କଲେ, କିଛି ପାସ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର୍ଟା କରାହେଲା, ଦିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ 280, ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛନ୍ତି 280। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ପିଲେ କରାହେଇଛି, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦିସ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ସର୍କଲ୍, ଏଇଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ପାସିଂ। କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି, ଓନ୍ଲି ପାସିଂ। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ପାସିଂ। ଯଦି ଓନ୍ଲି ପାସିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପାସ୍ ବାହାରେ କ'ଣ ମଞ୍ଚିଲେ, ଫେଲ୍। କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ଫେଲ୍? 47 ପିଲେ। ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ଼। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବିକା, ମୋତେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଥ୍, ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଲେଟ୍ ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଏମ୍ଟା ହେଉଛି, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଇଏରେ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମ୍ଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ସର୍କଲ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 185 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍। ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ ବିରେ, ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍। କେଉଁ ସର୍କଲ୍? ଦିସ୍ ସର୍କଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ, ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ବିଲେ ମ୍ୟାଥ୍, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପାସ୍ କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 185, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 185। ହେଲା, 185 ଲେଖିଲି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଖରେ, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି 185। ଫିଜିକ୍ସରେ କେତେ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 210, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 210। ହେଲା, ଛୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି 210। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ବିଲେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି 222। ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 222, ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି ବିଲେ, ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି। ହେଲା, ଓକେ, ଇଏ ଗଲା, ଅବିକା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ 5 ହୁ ପାସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍। ଓକେ, ଅବିକା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆସିବା ଆଗରୁ, ହେଲା, ଆମକୁ ଏଇ ମଝି ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା କମନ୍ ରିଜନ୍, ଏଇଟା ଦରକାର, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆ ହେଇନି। କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି, ଏନି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନେଇଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ମଝି ରିଜନ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କମନ୍ ରିଜନ୍, ତା ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆ ହିଁ ହେଇନି। କେମିତି ଆମେ ଆସିବା ହେଇଟିକି, ୟୁଜିଂ ଫର୍ମୁଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, ଜାଗା ନାହିଁ ଏଇଠି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କରିଦେଉଛି ଫିର୍ ବି। ମ୍ୟାଥ୍ ୟୁନିଅନ୍, ଫିଜିକ୍ସ ୟୁନିଅନ୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଅନ୍, ମାନେ ଇଚ୍ ରିଜିଅନ୍ ଟେକେନ୍ ୱାନ୍ସ। ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଚ୍ ରିଜିଅନ୍ ଟେକେନ୍ ୱାନ୍ସ। ୟୁନିଅନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ସି ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ ୱାଟ୍? ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ପି ମାଇନସ୍ ପି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି। ପିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ତିନିଟା ମାଇନସ୍ କଲି, ପ୍ଲସ୍ କରିବି କ'ଣ? ପ୍ଲସ୍ କରିବି ତିନିଟାର, କାରଣ ତିନିଟା ମାଇନସ୍ କଲାପରେ ଏ ମଝି ଜିନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଗଲା, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ଼୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ପି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି। ହେଇଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ, ହେଇଗଲା ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ, ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ପ୍ଲସ୍ ସି, 185 ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ବିଲେ ପ୍ରପର୍ଲି, ଅଲଗା କଲର୍ରେ କରୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ବିଲେ, ଏତେ ଜିନିଷ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। 185 ପ୍ଲସ୍ ଫିଜିକ୍ସ ହେଉଛି କେତେ? 210 ପ୍ଲସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ? 222। ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ବିଲେ, ମୋ ସହିତ, ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା କହୁଛି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବ ମାଇଣ୍ଡରୁ।
M intersection P. Now observe this. M intersection P होची this complete region. एक complete region पिले. खाली एटा नुह. जदि only एटा कही था, this is not. M intersection P माने this complete region. आपको काउट टिक्या अगरूम कही थी. Common region सही तो this region. This is M intersection P. Mark कौन तो इची. माने math and physics. कौन कही ची? All those except 5 who passed in math, passed in physics. All those except 5 who passed in math, passed in physics. Math re pass korchanti ke jano 185 except 5 passed in physics mane m intersection beta kete hobo minus kari athru 5 minus kar debe 180 5 jano ko chhadi dele jete ki pila banchile sete ki math aur physics re pass korchanti that is the meaning 180 likhi lebe bujhe meaning pura clear hoche absolutely all those except 10 who passed in math passed in chemistry all those except 10 m intersection c upar kasche only first data dekh diyo p intersection c directly diya hai 200 students who passed in physics also passed in chemistry direct diya hai this part is given directly p intersection c eta kete 200 minus kali 200 hala 200 minus m intersection c m intersection c m intersection c this complete region padhantu bile all those except 10 who passed in math passed in chemistry except 10 पास क्वेश्चन मैथ रखे 185 10 जनों छाड़ी देले बाकी केमिस्ट्री पास करी वाले तो माइनस केते 175 क्लियर क्लियर हेगला बिले बट ए इंफॉर्मेशन ता हमको जाना नहीं कोडा एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी हमको जाना नहीं सो सेटा को शेयर रखली मु दिस इज प्लस रहिला एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी एटर आईडिया नहीं हमको ठीक है ठीक के सॉल्व करले सॉल्व करन तो 185 180 पंचला केते 5 देखो बोले दिस एंड दिस 5 पंचला 210 200 माइनस कर दे 10 पंचला 222 आउ 175 माइनस कर दे केते 47 पंचला माने 5 प्लस 10 15 प्लस 47 15 प्लस 47 होच केते 62 सो दिस पार्ट इज इक्वल टू 62 प्लस ए पार्ट रहला एम intersection p intersection c ठीक अछि दिस पार्ट इक्वल टू या भल त हमको दिया है छि m union p union c हमको ऑलरेडी दिया है छि केते 280 होचन टोटल स्टूडेंट्स 247 फेल हे गले m intersection p माने दिस कंप्लीट वेन डायग्राम तीनटा सर्कल एडा कोन पासिंग रो 280 minus 47 सो दिस यूनियन पार्ट माने ए जो सर्कल पार्ट ता दिस इज 280 minus 47 होची 233 हला अभी का देखन तो बिरे 233 दिस पार्ट इज 233 माने 233 इक्वल टू 62 प्लस m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c ताले ई पार्ट ता केते हला बिले दिस पार्ट इज व्हाट 233 minus 62 233 minus 62 व्हिच इज केते होची बिले व्हिच इज केते असला दिस इज बिकमिंग देखन तो 233 minus 62 ता माने हमर आसी गला m intersection p intersection c is actually 171 233 minus 62 pile clear ho chi kon ta kaliu absolutely clear ho chi ha na okay jodi clear he gala tahale jinsa he gala dekhant tahale majhi part ta mate mili gala mate majhi part ta mili gala this intersection common region hala yanko common region ta ho chi eta this is 171 eta asla 171 M आउ P, M intersection P, M intersection P टा होची कित्ते पिले? 180, this complete region is 180, एटा 171 नहीं गला, ताले इस पार्ट टा पंचिले कित्ते, this is 9, clear होची पिले, absolutely clear होतु हुआ, M intersection C कित्ते 200, M intersection C होची 200, ठीक होची, 200, already 171 80 padela tale banchila kete this complete region pile this complete region is 200 eta 171 padela so this is 29 tapare banchila p intersection c p au c dekhantu this and this physics and chemistry intersection mane this region hala eta kete achi oh eta 175 achi na m intersection 175 achi thik achi kichi nahi एटा आपनकर 175 अछि हां
एम इंटरसेक्शन सीटा हूँ 175 अच्छी बोले मुझे भूल रहे दुईश नहीं गलीटा हूँ 175 अच्छी है 175 अच्छी कंप्लीट रिजनटा यहाँ 171 पड़ा सो यहाँ बचा चार दिस इज चार पी इंटरसेक्शन सी पी इंटरसेक्शन सी मैंने दिस रिजन यहाँ के पी इंटरसेक्शन सीटा अच्छी 200 अच्छी 200 रु 171 अलरेडी पड़ेगा ये 171 पड़ेगा बिले तेल बचला के 29 बचला 29 ठीक अच्छे अबिका सब जिन बाहरी गला ए कंप्लीट सर्कलटा हूँ 185 दिस कंप्लीट सर्कल इज 185 अलरेडी ये 180 184 तेल ये पार्टा बचला 1 क्लीयर हो बिले क्लीयर हो कंप्लीट सर्कलटा हूँ 210 है ये अलरेडी पड़ेगा 209 पड़ेगा तेल ये बचला 1 देखो बिले दिस इज 200 + 9 209 कंप्लीट 210 दिस इज 1 ए कंप्लीट सर्कलटा के बिले ए कंप्लीट सर्कलटा हूँ 222 दिस केमिस्ट्री सर्कलटा 222 ये अलरेडी पड़ेगा 204 200 + 4 204 पड़ेगा आउ बचला के 18 क्लीयर सब रिजन पड़े आसला आम क्वेश्चन सल्व हो गला ठीक अच्छे आम क्वेश्चन सल्व हो गला है सब आस्पेक्ट आपको क्लीयर होगा बिले अबिका गोटे काम करा क्वेश्चन को मुव करा आगर मुझ यार खाली स्नापसट नहीं जाऊँ ताको आमको हेल्प हम एट स्नैपशॉटटा आमको दरकार टे पड़ो ये जिनसटा दरकार पड़ो आमको अच्छा है ला? ओके बस अबिका क्वेश्चन को आसिया आम बाकी जिन किसी दरकार नहीं खाली ये जिन दरकार पड़ो है बाकी तो मुझे सल्व करदे आप देखिले ओके कल कला ओके देखते बिले हाँ क्वेश्चन आम क्वेश्चन को आसिया क्वेश्चन आपको देखो हाउ मेनी पचार क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट क्या कहला के 171 ऑप्शन डी इज करेक्ट हाउ मेनी फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ताने केमिस्ट्री ओनली केमिस्ट्री व्हिच इज 18 ओनली केमिस्ट्री होची केते 18 ओनली केमिस्ट्री 18 ठीक अच्छे जो मैंने ओनली केमिस्ट्री रे पास करछंती बाकी दिरारे फेल होती पचार फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये तो 18 बट 18 आंसर हम बनबे ये तो 18 हेले जो मैंने खाली केमिस्ट्री पास करछंती बाकी ये रही बाकी ये 47 भी तो सब तीन टे फेल होती जो मैंने तीन टे फेल होती मैंने कौन फिजिक्स मैथमेटिक्स भी होती सो प्लस करूँ 47 सो दिस इज कमिंग आउट टू बी के 65 क्लीयर बिले 65 हम आंसर 18 मार्क करदेवे भूल नेक्स्ट आपंकर हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ बट फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास्ड इन मैथ बट फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री व्हिच इज 1 ऑप्शन डी क्लीयर हूँ बिले एब्सोल्युटली क्लीयर होना एक क्वेश्चन आप क्लीयर है तीन टाइम कले सल्व ये अबिका नेक्स्ट क्वेश्चन को मुव करा ये पार्ट आपको है क्लीयर है ये पार्ट आपको है क्लीयर भल लेवल क्वेश्चन यहाँ हूँ एक्चुअल क्वेश्चन बिले दिस इज नॉट माय क्वेश्चन यहाँ आपंकर एक्चुअल क्वेश्चन परीक्षार हाँ छाड़ ये गला नेक्स्ट सेट को मुव करिया और नेक्स्ट सेट आपड़ ने अटेम्प्ट करेंगे मुझे करी सॉल्व 98 रु 100 दिशु आप पिले दिशी मत हेवी मानने बहुत एक्सट्रीम फीवर अच्छी इस घर माँ कॉल कर कि ना क्लास फ्लास कर दरकार नहीं किसी है जो कॉल आस ना क्या आप दिशु मो मुहर मानने ज्वर जना पड़ भयस जना पड़ आपको बट आज कमिटमेंट थी कि आज आम क्लास करा तो करा पड़ो देख मत लगुनि आज आम पूरा कम्प्लीट जहाँ जहाँ कमिटमेंट कर 8टा सेट मत लगुनि आम कर सेट गुड़ा बहुत भल लेवल सेट अच्छे आपको भी क्लास बहुत हेवी लगुत टे मैंने हेवी लगुनि आज क्लास टी मैंने एक्स्ट्रा कनसेप्ट बहुत अधिका पीला जो मैंने देखे नहीं जाए लगुत क्लास टी मैंने टफ पुणी कल आसला हाँ ठीक अच्छे आप यहाँ करूँ 98 रु 100 ए सेट्टा आप करूँ ट्राए ए सेट्टा आप करूँ 98 रु 100 टी आप अटेम्प्ट 5 मिनिट्स नि अटेम्प्ट नि 5 मिनिट्स नहीं जस्ट
ନିଅନ୍ତୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଉ ମୋତେ ବସ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା କରିବା। କଲେ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ? ଓକେ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ ଓକେ ମୁଁ କଲ୍ ଦେଉଛି ସଲ୍ଭ। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ନାପଶଟ୍ଟା ଖାଲି ନେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ବସ୍ ତାକି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ୱେର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦିଶିବ। ଓକେ ବସ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦିଶିବା ଦରକାର ବଡ଼ରେ, ଆଉ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଠି ଥାଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମେ କରିବା ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ସିମ୍ପଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲା ବେଲେ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ଷ୍ଟଡି ଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଫଲୋ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଡ୍ ହେଉଛି 1200, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଇଠି ଇଏ କରିବା, ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ଲାର୍ଜ କରିଦେଇଛି ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଗର ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅରଲି ଦିଶିବ। ଅବିକା ୟାକୁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବଡ଼ ଫିଗର ଉପରକୁ ଆସିବା, ତାକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ଦିଶିବ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଥିବ କ୍ଲିଅରଲି, ୟାଠୁ ତ ବଡ଼ ଜୁମ୍ ହେଇପାରିବନି। ଓକେ ପ୍ରପର ଆସିଲା ବେଲେ ହଁ ଅବିକା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଲି ଅବିକା ମାର୍କ କରିବେ ଆପଣ। ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲେ ଏଇ ସର୍କଲ୍ଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ହୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି 880 ହେଲା, 880 ସବୁ ଫିଗର ବାହାର ସବୁ ସ୍ପଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ଆରାମସେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 880 ବଟ 880 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା, 690 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା, 675 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବିକା ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଇ ପାର୍ଟ ଦରକାର, ଏଇ ପାର୍ଟ ଦରକାର ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ମଝି ଭ୍ୟାଲୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ମଝି ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଦିଆହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ଦିଆହେଇଥିବ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 190 ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 190 ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କମନ୍, ଦ କମନ୍ ରିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ପିପୁଲ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ମାନ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 190 ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୟୁ, ଏଇଟା 190 ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, 190 ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଅବିକା ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଅବିକା ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫିଗର ଦିଆହେଇଛି 430 ଫିଗର ଦିଆହେଇଛି, ବଟ୍ 430ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି, ଜର୍ମାନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି, 430ରେ ଜର୍ମାନ ପାର୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 430 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାର୍ଟଟା, ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାର୍ଟ, ୟା ଭିତରୁ 190 ତ ଏଇଠି ପଳେଇଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଖାଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଓନ୍ଲି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 430, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି 430 ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ହୁ ନ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଲେଖା ହେଇନି, ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୋ ଜର୍ମାନ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ କୁହା ହେଇନି, ସୋ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍ ଅଲ୍ସୋ। 190କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନା 430 ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ହେଉଥିବ, 190କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି 430, ତାହେଲେ 430ରୁ 190 ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 240 କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓନ୍ଲି, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓନ୍ଲି ହେଉଛି 240 ହେଲା। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ନ୍ୟୁ ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ, ଯଦି ଓନ୍ଲି ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ 460 ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇଠି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଜର୍ମାନ ଆଉ ଇଂଲିଶ କହିଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 460ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାର୍ଟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି ଜର୍ମାନ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କେତେ ହେବେ, ଟୋଟାଲ 460ରୁ 190 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, 460ରୁ 190 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ବିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 270 ଇଜ୍ଣ୍ଟ ଇଟ୍, 270 ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 270 ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବିକା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି 345, ବଟ୍ 345 190କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନା, ଠିକ୍ ଅଛି, 345ରୁ 190 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି,
155, isn't it? 155. ठीक है ना? ए पार्ट आसला 155, which represents only French and German. Only French and German ऐडा. French और German हो ची, this complete part which is 345. पहले अपन को explanation clear हो तो हो. ए रीजन गुड़ा हो ची only. जब किसी कहीं नहीं ता मैंने पूरा को include करेगी ना. क्लियर हो पे हाँ इतनी जिनस आइडेंटिफाई कर जाता अबिका देखु कंप्लीट सर्कलटा हूँ 690 ताल ये मत कहतु यहाँ के दिस इज 430 आउ यहाँ हूँ 155 485 हो गला दिस इज 105 ये पार्टा होगा 105 इजंट इट ये पार्टा होगा आप 105 राइट 585 राइट अबिका दिस कंप्लीट सर्कल इज 880 दिस कंप्लीट पार्ट इज 430 यहाँ हूँ 270 + 30 + 200 = 700 + 280 = 780 270 प्लस दिस इट इज के दिस इज 460 प्लस 155 615 इज इट 460 आउ 155 5 615 615 हो गले आउ बचला के आउ 60 बचला दिस पार्ट इज 60 है कारण टोटल टा हो 675 टोटल सर्कल टा हो 675 इज इट सब पार्ट पड़े आसला अब या क्वेश्चन जहां भी थी हमें आराम से सॉल्व कर दी परिया ओके जदि आपन को हेला क्लियर ताले हमें कर दे परि जाएगा जदि आपन को बिल एडा क्लियर हेला ताले फोनी स्नैप नै जिया टेक्नोलॉजी तो अच्छी हम पाकरे यूज करिया कंप्लीट बस इति की तो बस गोटे सेकेंड बिले बस हाँ होगा हाँ देखो एथर क्वेश्चन को आसिया क्वेश्चन को मार्क करूँ एथर बिले क्वेश्चन को मार्क करूँ क्वेश्चन आपन कौन कहला सब पार्ट आम पड़े आला खाली क्वेश्चन लक्ष्य दिं हाँ हाउ मेनी पीपल इंटरव्यूड न्यू ओनली वन ऑफ थ्री लैंग्वेजेस Only one of three languages. Only one माने 180 plus 105 plus 60 है ना? So 165. This is 165 plus 180. 60 plus this is 165. है ना? 5 this is 345. Option A is correct. How many people knew English alone? English alone. English circle कोड़ा एटा. Alone English होची 180. This is option D. How many people knew two or more languages? Two or more. Now this is important बिले. Two or more माने this is basically saying you exactly two. सब बड़े मंत्र की दिवे. Two or more माने इटा होची exactly two. How many people knew two or more languages? ये statement र माने होची at least two. या माने होची एटलीस्ट टू क्या टू और मोर कही एटलीस्ट टू एटलीस्ट को सब कन्वर्ट करेंगे एक्जाक्टली मैंने कौन एटलीस्ट टू लिखाई मैंने आप कहे एक्जाक्टली टू प्लस एक्जाक्टली थ्री एक्जाक्टली टू प्लस एक्जाक्टली थ्री एटलीस्ट टू को कौन कन्वर्ट कली एक्जाक्टली टू प्लस एक्जाक्टली थ्री अबिका एक्जाक्टली टू पार्ट को गुड़ा ये गुड़ा एटा होची एक्जाक्टली टू पार्ट ओनली दुईटा रिजन रो ओवरलैपिंग एक्जाक्टली टू एक्जाक्टली थ्री कौटा दिस पार्ट ताले आंसर कौन हम बोले आंसर हम एक्जाक्टली टू प्लस एक्जाक्टली थ्री एक्जाक्टली टू कौन कौन अच्छी 240 प्लस 270 प्लस 155 आउ एक्जाक्टली थ्री कौटा अच्छी 190 प्लस 190 आड कर दियंतु आड कर देले आपनकर
this is if you add it apnakar asibo 855 option c hobo correct thik solve hegala pile eta hala eta apnakar ossc accountant ra ame solve karle niyam jodi kaho dekhiyabe ji dekho dekho hala e part hegala clear abika next paper ku jiwa move kariya next paper hochi apnakar ossc stenographer एटी करना या थरे जो डीआई असल ताको विसरिया तापर आज क्लास बंद करिया देखो तो एटा होचे बिले ओ डबल एससी रो स्टेनोग्राफर हला एटा होची ओ डबल एससी रो स्टेनोग्राफर हला तारो वेन डायग्राम क्वेश्चन सेट टा मु सॉल्व कर दोजी तापर आज क्लास टा को हम बंद करना जहां बंचिला ताको नेक्स्ट क्लास से करिया डिस्कस माने डीआई रो क्लास नंबर 2 रे बट आजी एटा भी बहुत इंपोर्टेंट दिस इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम देख सेट टाकू आप फर्स्ट वेन डायग्राम बना दिसला आपन को फर्स्ट आप ने अटेम्प्ट ताकि आप जानवे क्वेश्चन को लेवल आस 54 रु 58 क्वेश्चन से इंपोर्टेंट नुह फर्स्ट आप यार वेन डायग्राम बनेबे हला तापर से क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट वेन डायग्राम बनातु टाइम आपको दिहला मु सॉल्व करी करूँ तो सॉल्व करूँ सॉल्व करूँ टी कले आप ट्राए तो एटा कर दो दिस इज एटा एक्चुअल क्वेश्चन पिले ओ डबल एस सी स्टेनोग्राफर प्रिलिम्स रो ठीक अच्छे ओ डबल एस सी रो एक्चुअल क्वेश्चन आपण मैंने ट्राए करेंगे फास्ट वीडियो पोस्ट करना ट्राए करिया कथा देखो कितने आराम से करिया अ सर्वे ऑफ 235 फैमिलीज टू फाइंड द टाइप ऑफ हीटिंग यूज्ड गैस इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल रिवील द फॉलोइंग डाटा देखो 20 houses use oil, of which 8 use gas also, 10 use electricity as well as oil, and 2 use both gas and electricity besides oil. In all, 175 houses use either gas or electricity, 132 use electricity. Eti pile only electricity lekhai ni, electricity lekhai chi. Prati word upare apnakar attention rahiya darkar, Venn diagram solve kala vale. Bahut detail re mu padhai chi, bahut minutely padhai chi. तो से सब आस्पेक्ट आपन क्लियर हो एत डिटेल रे आप चेक कर करदे एनी बैंकिंग चैनल चेक करेंगे है ना तो आप जापर डिफरेंस एनी बैंकिंग चैनल चेक करेंगे आम जो लेवल रे पढ़ुं आप नीचे कहे आपण को कौन पढ़ाऊँ के क्लारीटी सहित पढ़ाऊँ के कनसेप्ट आपको दिहा डायग्राम फास्ट कर दिए अपने अलग जिन उठाता अब टिके बड़ कर दो आगे अब टिके बड़ कर दो चल ना आप दिशी हो कि नहीं टिके बिले गोटे सेकेंड टे भल रे करदे ताकि भिजिबल पेपर पर लिया थ्री सेट आप क्वेश्चन सेन्स रु क्लीयर होटा हूँ थ्री सेट वेन डायग्राम क्वेश्चन सेन्स रु क्लीयर होन पढ़ू पढ़ू गोटे थ्री सेट वेन डायग्राम मुझे करदे आप ठीक अच्छे अबिका सिंपल क्वेश्चन पढ़िया डाटा को वेन डायग्राम रे प्लेस करिया बाकी जहाँ न होती वेरिएबल आज्यूम करिया है शिखिया आम क्वेश्चन कला सब जिन शिखिया सब वेन डायग्राम आप कले गोटे इनपुट पिले मो सैड्रु आप सब यूनिवर्सल सेट्टा भी करदे वेन डायग्राम बाहर सेट्टा मैंने मुझे यहाँ कहूँ जहाँ जहाँ करुच्ची एक्जाक्ट सेम अल्गोरिथम आप क्वेश्चन सल्व करेंगे तेल चान्स ना क्वेश्चन सल्व न होवार जहाँ जहाँ आपको पढ़ाऊँ आप सिंपल या रेप्लिकेट करेंगे निज पाठपढ़ा ई देखो ए कंप्लीट बाहर जो जिनटा कली दिस इज द यूनिवर्सल सेट कंप्लीट होगा भितर वेन डायग्राम मैंने ये सर्कल गुटा रहा देख सर्वे ऑफ 235 फैमिलीज टू फाइंड टाइप ऑफ हीटिंग टोटल फैमिलीज के 235 टोटल 235 टाइप ऑफ हीटिंग यूज्ड गैस इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल माने सब फैमिली यूज करुँचे आइदर किए गोटे गैस यूज करुच्च किए इलेक्ट्रिसिटी किए ऑयल बट एमती कोई फैमिली ना कि भी यूज करनी माने या बाहर पार्ट जीरो
ଏମିତି କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଫେଲ୍ଟା ବାହାରିଥିଲେ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ପାସ୍ର, ତ ଫେଲ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଜିରୋ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ 235 ଯାକ ଏଇ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଜିରୋ କରିଦେଲି, ହେଲା ଓକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ ପିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ଼୍ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେଉଁ କମନ୍ ରିଜିଅନ୍ଟା ୟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇଜି ହେବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତା'ର କିଛି ଡାଟା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ? ଗ୍ୟାସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଓକେ, ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ଗୋଟେ ବିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍, ବଡ଼ କରିଦେବା ଟିକେ ପିଲେ, ବଡ଼ କରିଦେବା ତାକି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ। ଏତିକି କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଲେଟ୍ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍, ଲେଟ୍ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଏଲ୍। ଏଇଟା ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିରୋ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଛନ୍ତି 235, ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ କେତେ 235, ଏଇଠି ମୁଁ ଜିରୋ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ, ସୋ ମୁଁ ଜିରୋଟା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଓ ବି ଆସିଗଲାଣି, ସୋ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନହେବାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଜିରୋ ଅଛି ହେଲା, ସୋ ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ଟା ନକଲେ ବି ଏଠି ଚଳିବ ହେଲା, ଏଠି ଏଇ କେସ୍ରେ ନକଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେହେତୁ ନକଲେ, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଜିରୋ ରହୁଛି, ସୋ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ଟା ମୁଁ କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ତା ପର୍ପଜ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା, କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ପିଲା, ଏଥର ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲା। ଟୋଟାଲ 235କୁ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଫିଟ୍ କରିବା, କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ଅଲ୍ 175 ୟୁଜ୍ ଆଇଦର, ଓକେ ଏଇଟା ତ ଗଲା, 132 ୟୁଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ, ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, 132 ୟୁଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଖରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 132, ବଟ୍ ଏଇଠି ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲେଖା ହେଇନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି 132, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କମନ୍ ରିଜନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି କି ଆମ ଡାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ଟୁ ୟୁଜ୍ ବୋଥ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିସାଇଡ୍ସ ଅଏଲ୍, ବୋଥ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ମାନେ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦିଆହେଇଯାଇଛି 2 ହେଲା, ଅବିକା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। 20 ହାଉସେସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଏଲ୍ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ 8 ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ମାନେ ଏଇଠି ଅଏଲ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 20 ହେଲା, ଏ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି 20, ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ 8 ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି 8, ଏଇ ପାର୍ଟଟା 8, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାର୍ଟଟା ବିଲେ 8, 2 ଏଇଠି ପଳେଇଲା, ତ ଏଇଠି ରହିବ କେତେ 6 ରହିବ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ। 10 ୟୁଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଅଏଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଅଏଲ୍, ମାନେ ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 10, ଏଇଠି 2 ପଳେଇଲା, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 8, କ୍ଲିଅର୍। ଅବିକା ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ଟା ହେଉଛି ବିଲେ 20, ଏଇଠି ପଳେଇଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 10-16 ପଳେଇଲାଣି, ସୋ ଏଇଟା ରହିବ 4, କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଡିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, ଇଏ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଇନ୍ ଅଲ୍ 175 ହାଉସେସ୍ ୟୁଜ୍ ଆଇଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଆଇଦର ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ବୋଥ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି କି ଆଇଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମାନେ ଆଇଦର ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍, ନଟ୍ ବୋଥ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ବୋଥ୍ ରିଜିଅନ୍ର ଡାଟା ଦିଆ ହେଇନି, ତାକୁ ଏକ୍ସ ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ସେ ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସ ପିଲେ, କେମିତି ଭାରିଏବୁଲ୍ ଆଜୁମ୍ କଲି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ, ଡାଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମିଶିକିନା ହେଉଛି 175, ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଇନି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାରିଏବୁଲ୍ ଏକ୍ସ ମାନିଦେଲି, ଯଦି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଇଜ୍ 132, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ 10, ତ ଏଇଠି ପଳେଇଲା, ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ୍ ଇଜ୍ 132, ସୋ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ 122 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ। ହଁ ଓକେ, ନାଓ ଆଇଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ୟୁନିଅନ୍, ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ, ନଟ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକିନା ହେଉଛି କେତେ 175, ଏଇଠି ଅଛି 122 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ କରିବି କି ଆଡ୍ ହେଇକିନା ହେବ 175, କେତେ କରିବି ବେଲେ 175 ମାଇନସ୍ 122 ହେଉଛି 53, ବଟ୍ ଏକ୍ସ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି,
एटी प्लस एक्स कर दबा कहीं बिकज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट मिसिकिना हवा दरकार 175 माइनस प्लस कैनसल होगा मिसिकिना 175 होगा आम क्वेश्चन रु कंडीशन सैटिस्फाई होगा सब कंडीशन सैटिस्फाई होगा नाउ सिंपली आम एक्स वैल्यू फास्ट फाइंड करिया या भितर गोटे वेरिएबल अच्छी एक्स फास्ट एक्स वैल्यू फाइंड करिया तापे हमको ए डाटाटा बहुत यूज करियो बहुत माने हेल्प करियो देखो ऐड है कि ना हवा दरकार 235 देखिया हो कि नहीं ए कंप्लीट सर्कलटा हूँ 132 ठीक अच्छे प्लस या को नहीं गली बिले कमी एडिशन कर देखो गोटे कंप्लीट सर्कल को मानदे बाकी गोटे एड करदे या को नहींगली 132 बाकी बाहर बचला 4, 6, 10 प्लस 53 प्लस एक्स 10 प्लस 132 वाला ये 10 प्लस 53 प्लस एक्स 10 प्लस 53 प्लस एक्स दिस इज एक्चुअली 235 isn't it ता माने पिले एटी देखो दिस इज 142 प्लस 53 होची 195 प्लस एक्स ता होची 235 दैट इम्प्लाइज एक्स टा केते एक्स टा होची 40 एक्स रा वैल्यू 40 पळे आसला जदि एक्स रा वैल्यू 40 पळे आसला ताले हे गेला जिंस आबो ताले तो हे गेला जिंस हला एक्स टा पर पळे आसला 40 हे गेला क्वेश्चन सॉल्व तो एक्स रैल्यू आम पलि आसला 40 जदि एक्सटा होगा 40 एटा पकेले 40 अबिका 53 प्लस 40 एटा 40 होगा एक्सटा 40 होगा तो दिस इज टोटल पार्टा होगा के 93 दिस पार्ट बिकम्स के दिस इज 93 दिस पार्ट बिकम्स पिले दिस बिकम्स 93 ठीक अच्छे 93 मो पिले लेखारे 93 प्लस 40 93 ठीक अच्छे कैलकुलेशन हाँ 182 माइनस 40 पुणी ये देखिकी इरेज कराया पड़ो ताकि आमको पुणी ड्र न कराया पड़ो बस 122 माइनस 40 के 82 इज 82 है ओके सब आस्पेक्ट क्लीयर कर सब जिन हो गला ना पे आ कि भेरिएबल बचलानी सब डाटा आसगलानी क्वेश्चन था क्वेश्चन को जीवन मुव करा एथर बिले क्वेश्चन्स को मूव करिया आप चाहिए ये जिनसा आड करना ये गैस वैल्यू बाहर कर दे पारे है देखिया क्वेश्चन पचारे बड़े क्वेश्चन मार्क पकई देखिया जब दरकार पड़ो गैस एड करना बाहर लिखीद ये है बट अभी देखिए क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन को मूव करिया आगे खाली स्नापसट नहीं जाए पार्टर ताकि आमको हेल्प हम पर देखते बोले टेक्नोलोजी अच्छी ताको यूज करिया नहीं कि डिजिटल बोर्ड रो टेक्नोलॉजी हम पाकर अच्छी ताको टी यूज करिया हम टेक्नोलॉजी को हम पई काम इजी हबो सब जिंस आपन नोट करथिए इरेज करली सब अभी का हमें पेपर को आसिया क्वेश्चंस को पचारला सॉरी 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 बस हां क्वेश्चन पेपर देखंतु क्वेश्चन पेपर को आसिया क्वेश्चंस कोन को पचारै छी हम फिगर 8 रहिला सब डाटा बाहर जाई छी हला अभी का जहां जहां क्वेश्चन पचारै छी ताको 1 बाय 1 सॉल्व कर दवा फर्स्ट देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 54 पचारा केतरा क्वेश्चन अच्छे देखो क्वेश्चन 54 रु 58 54 पचारा नंबर ऑफ गैसेस नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग गैस ओके देखो यार वैल्यू तो आने को पड़ दरकार दरकार पड़ा यहाँ आसो ठीक अच्छे के देखो 93 प्लस 48 दिस इज 141 ऑप्शन बी ठीक अच्छे बे दिस पार्ट इज क्वेश्चन मार्क जो लिखी क्वेश्चन मार्क आप दिस पार्ट इज एक्चुअली 141 ठीक ओके ये गला सेकंड क्वेश्चन कौन कही नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिसिटी देखो कौटी अच्छे ओनली इलेक्ट्रिसिटी कौटी अच्छे ओनली इलेक्ट्रिसिटी हूँ ए कंप्लीटा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली मान यही पार्टा खाली 82 हाँ ये 82 ठीक अच्छे तापर अमंगस्ट द हाउसेस यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ हिटिंग कौन एटा हिटिंग हम ना एटा ओएसएस प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे मैंने ओएसएस एक्चुअल पेपर हिटिंग परसेंटेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ओनली है इलेक्ट्रिसिटी ओनली मैंने 82 आउट ऑफ ओनली वन टाइप मैंने 97 प्लस 82 179 82 आउट ऑफ 179 इंटू 100 करेंगे है एप्रोक्सीमेटली
आपण बोले स्पीड मैथ्स से मुझे कही ना परसेंटेज क्लास से पढ़ाई जो परसेंटेज क्लास से पढ़ाई डिविजन केमी आप करेंगे यूजिंग परसेंटेजेस जल्दी बाहर करेंगे परसेंटेज प्रथम क्लास चेक करेंगे मैथ फाउंडेशन बैच दिस इज 46% अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए हम है ऑप्शन ए हम नेक्स्ट जो मैंने बुझीपारे कि 46 आप चेक करेंगे बोले मैथ फाउंडेशन बैच से पढ़ाई डिविजन केमी आप करेंगे डिविजन केमी कराव पढ़ाई मैंने परसेंटेज केमी अप्रोक्सीमेशन कराव अमंग्स द हाउसेस यूजिंग एटा तो बाहर ला 46 छाड़ नेक्स्ट 57 नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग गैस और ऑयल गैस और ऑयल नाउ दिस इज इंपोर्टेंट हमें पूरा कंप्लीट गोटे क्लास पढ़ लिया और मैंने हूँ यूनियन है सो गैस ऑयल या भितर सब डाटा को नाक पड़ो ए कंप्लीट डाटाटा हूँ 132 ए सर्कल पड़ेगा तो बाहर कौन बचला 6 और 93 सो 132 कौन गैस एंड वो गैस एंड ऑयल कथा कही चुके इलेक्ट्रिक ऑयल सो दिस एंड दिस कंप्लीट सर्कल है दिस कंप्लीट सर्कल ए कंप्लीट सर्कल आम आउट टी आगे बाहर करते यहाँ बाहर था 141 मैंने गैस पार्टा गैस कंप्लीट सर्कल 141 बाहर था 141 बाहर था अभी खाली या बाहर कौन बचला 8 बचला आउ गोटे 4 बचला आउ गोटे 12 बचला है दिस इज 12 दिस इज 3 153 क्लीयर हो गैस और ऑयल मैंने सिंपल यार यूनियन निया हम पढ़ी आपको और मैंने कौन है कंप्लीट सर्कल सब एलिमेंट नौ पड़े दुटा सर्कल ये गला 58 लास्ट क्वेश्चन को हमें आसारे देखो लास्ट क्वेश्चन कौन कही हाँ नंबर ऑफ हाउसेस यूजिंग टू टाइप्स ऑफ फ्यूल बट नॉट ऑल थ्री टू बट नॉट ऑल थ्री ओके मैंने 40 प्लस 14 हूँ 54 ठीक बस ठीक है यहाँ तो बाहर था यहाँ 153 बाहर है सो सरला आम जी सेट कले बाकी मुझे करूँ आज ज्वर भी अच्छे एनफ जिन बहुत थ्योरी पढ़ले मतलब लगुता आम गुड़ा जिन सेट करें बट क्लास मतलब लगुच बहुत हेवी हो पे मैंने कनसेप्ट डाइजेस्ट करा डिफिकल्ट हम सांगे सांग तो आज ये छाड़िया डीआईर क्लास नंबर 1 सरला केमती लगेगा डेफिनेटली कमेंट करना कहे हमें तो फ्री अफ कस्ट आपको पाठ पढ़ाऊ केमी लगेगा क्वालिटी डेफिनेटली आपको कहे है जब ओएसएससी प्रिपेयर करते भी कहे अलग एग्जाम प्रिपेयर करते भी आप कहे कमी लगे क्लास है डीआईर कंप्लीट बैच चलो बैच जब आप कंप्लीट करते बियंड आउ परीक्षा किसी आसार ना आम जहाँ पढ़ी तारी भितर कनसेप्ट आसो ठीक थैंक यू सो मच हाँ पे यहाँ हूँ प्रथम क्लास डीआईर मिनिमम मु 9-10 क्लास करी डीआईर मैथ बैच भी सर रिजनिंग बैच भी सर आउ बाकी जिनस चेक करते थैंक यू सो मच।